वो टाइम याद करिए जब भाई ये पूरी सड़कें पूरी रोड खाली हुआ करते थे यार। अभी तो कितनी ज्यादा भीड़ ट्रैफिक होने लगी, पूरा शहर लॉकडाउन लग गया था ना, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम शॉप्स वगैरह नहीं ओपन होती थी। तो सबसे पहले जो वायरस था भाई वो यहीं से निकला था, ऐसा लोगों का बोलना है। अब बताओ भाई कैसा फील हो रहा है यार, ये समझ सकते हो ये वो मार्केट है। नो नो नथिंग जस्ट रिकॉर्डिंग माय सेल्फ माय नो रूम से बाहर नहीं निकलना अलाउड था, ये समझ लीजिए। अच्छा मतलब कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते तो भाई इस वीडियो में ना मुझे मालूम है बहुत सारे चाइनीज लोग जो हैं वो चाइनीज में मुझे गाली देने वाले। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वक्त मैं सेंट्रल चाइना के हुबे प्रोविंस के सबसे ज़्यादा फेमस और कैपिटल वुहान से। आई एम श्योर आप लोगों में से ऑलमोस्ट हर लोग जानते रहेंगे वुहान के बारे में, और पिछले 3-4 सालों में कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था इस सिटी को विजिट करने के लिए। भाई देखें यहाँ चल क्या रहा है। कल रात में जब मैं यहाँ आया अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगी भाई, मतलब वो सारे फ्लैशबैक जो हम 3-4 साल पहले के वीडियोस में देखते थे ना चाइना से, जो यहाँ से वुहान से वीडियोस आ रहे थे वो सारे दिमाग में घूमने लगे भाई, एकदम अलग सी फीलिंग होने लगी। और भाई मुझे मालूम नहीं था कि वुहान भाई इतना अच्छा, मतलब ठीक ठाक डेवलप सिटी है, पता भाई खाली सी होगी। लेकिन अभी पहला झलक देख ही सकते हो यार, ये देखिए मेरा हॉस्टल इस तरफ है, कुछ ज़्यादा खास नहीं था इसलिए आप लोगों को दिखाया नहीं। बाकी सारा नज़ारा देखिए भाई, आप लोगों को हर जगह मॉल देखने मिलेंगे यहाँ पर, ये देखिए। तो यार इस वीडियो में हम जानेंगे भाई ये वुहान शहर में हो क्या रहा है, यहाँ मतलब करने के लिए क्या क्या चीज़ें, और साथ ही साथ आप लोगों को वो चीज़ भी दिखाऊंगा जहाँ से वायरस निकला था, वो मार्केट जहाँ से भाई पहला फैला था इन्फेक्शन, उस सारी चीज़ हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं भाई। और यहाँ की ट्रैफिक वगैरह देखिए यार, इतनी ट्रैफिक में पूरे चाइना में, अभी मेरी जो चौथी ये मेरी चौथी सिटी है और इतनी ट्रैफिक में पूरे चाइना में कहीं नहीं देखा। आप देख सकते हो यार यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन भाई 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ के बीच में। तो भाई मुझे लगा नहीं था कि इतनी सारी पॉपुलेटेड सिटी होगी, ये छोटा शहर होगा, लेकिन भाई यहाँ भी मतलब काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये देखिए भाई लंबी लंबी बिल्डिंग यहाँ भी आप लोगों को देखने मिलेगी। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस किया भाई, यहाँ पर ना जवान लोग बहुत है, यंग लोग आप लोगों को बहुत देखने मिलेंगे, या बूढ़े वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जानना है भाई वुहान में चल क्या रहा है, बहुत क्यूरियोसिटी भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। और भाई लेकिन फीलिंग जो हो रही है ना यहाँ की, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता भाई, इतनी अलग और इतनी अजीब सी फीलिंग आ रही है। और थोड़ा सा मौसम जो है भाई वो बारिश जैसा लग रहा है, बारिश ना है बस। तो आज हम सारा एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई ज़रा वो टाइम याद करिए जब भाई ये पूरी सड़कें पूरी रोड खाली हुआ करते थे यार। अभी तो कितनी ज़्यादा भीड़ ट्रैफिक होने लगी है भाई, जो 3 साल पहले का हाल था ना यहाँ का आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखी होगी। और आज देखिए भाई 3 साल बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लोग यहाँ मास्क भी नहीं लगाए, बहुत ही कम लोग मास्क लगाए हुए दिखेंगे आप लोगों को। और सारा यहाँ का कोविड जो है वो ख़त्म हो गया है अभी, मतलब 3 साल पहले कोई वुहान का नाम भी ले ले तो भाई आदमी डर लग जाती थी भाई वुहान के बारे में, कि क्या हाल चाल होगा वहाँ, क्या चल रहा होगा वहाँ के लोग, कैसे रह रहे होंगे भाई, क्या डर था। तो भाई अगर कोई मिलेगा, कोई चाइनीज आदमी इंटरेस्टेड रहेगा बात करने में, तो हम उनसे बात करेंगे कि भाई क्या हाल था 3 साल पहले आज से, और सारी चीज़ें जानेंगे भाई यहाँ के लोग, वहाँ की ज़िंदगी कैसी थी 3 साल पहले। और अभी तो सारा कुछ चेंज हो गया, अब तो एकदम परफेक्ट हो गया है, सब बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई इशू नहीं, सब जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसी नॉर्मल लाइफ चल रही है। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ रिपीट कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो मैं फील कर रहा हूँ आप लोग फील करिए, वो चीज़ याद करिए कि 3 साल पहले क्या हाल था, और वापस अभी पूरी लाइफ ट्रैक पर आ गई है। और ये देखिए भाई इधर पे सारे जवान लोग आप लोगों को ज़्यादा देखने मिलेंगे यार, बूढ़े वगैरह ना बहुत कम है यार, सारे जवान लोग ही हैं, मुझे लग रहा है बूढ़े लोग टाटा हो गए हैं। मजाक कर रहा हूँ, कुछ सीरियस नहीं लेना। और भाई इस वीडियो में ना मुझे मालूम है बहुत सारे चाइनीज़ लोग जो हैं वो चाइनीज़ में मुझे गाली देने वाले। भाई मैं जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ सही है वही बता रहा हूँ, और कुछ भी मतलब जो जैसा मुझे दिख रहा है मैं वैसी चीज़ें बता रहा हूँ, ना कुछ डाल रहा हूँ अपने जेब से और ना कुछ भाई काट रहा हूँ, जो जैसा दिख रहा है। जैसे जैसे कि पिछले 5 वीडियो में आपको पूरी तारीफ किया हो चाइना की, अभी भी मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, लेकिन जैसा जो दिखेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यार चलते हैं आज के सबसे पहले स्टॉप वुहान सी फूड मार्केट, और मेट्रो लेते हैं यहाँ से वुहान मेट्रो। और यहाँ पे 2 लाइनें देखिए, लाइन 2 लाइन 8, हमको लाइन 2 से जाना है। तो देखते हैं भाई, आप लोगों को दिखाता हूँ साथ में वुहान की मेट्रो कैसी है। और काफ़ी खाली सा पड़ा हुआ है यार, ये देखिए ये ऊपर का सेक्शन है, काफ़ी खाली सा पड़ा हुआ है। और अंदर चलते हैं देखते हैं, इतना खाली क्यों है भाई, डर लगती है देख के। मतलब मैं ना भाई जो मैं फील कर रहा हूँ ना, चाह रहा हूँ कि आप लोग भी फील करो मेरे साथ, एक्सपीरियंस करो। तो देखिए लगता है यहाँ मेन जगह पे आ गए हैं, यहाँ से टिकट लेते हैं भाई, देखते हैं टिकट कहाँ पर मिलेगी। यहाँ से टिकट मिलेगी, यहाँ एक अच्छी बात ये रहती है यहाँ एटलीस्ट यहाँ तो इंग्लिश में रहता है। हम यहाँ पर है अभी, हमको जाना है इस स्टेशन पे। तो देखिए भाई 5 यूआन की टिकट मिल रही है। और इधर ही आप लोगों को ना एक चीज़ बता दूँ, चिल्लर ज़रूर कैरी करना भाई, चिल्लर बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। 1 2 3 4 5। तो देखिए भाई यहाँ आ गई टिकट, यहाँ टिकट नहीं, जैसे अपने मुंबई दिल्ली मेट्रो में रहता है ना ये वैसे ही है। तो चलते हैं भाई यहाँ से सिक्योरिटी चेक करा के अंदर। लाइन 2 इस तरफ है,
मैं तो थोड़ा पहले जज कर लिया था, यहाँ पे लोग हैं भाई, मुझे लग रहा था खाली है, लेकिन अच्छे खासे लोग हैं और कुछ ही लोगों ने मास्क लगाया, बाकी लोग बिना मास्क के, जैसे मैं। अभी आ गई है ट्रेन भाई, मैं बोल रहा था भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर तो अच्छी खासी भीड़ है। थोड़ा सा अंदर से दिखा भी देता हूँ वुहान की मेट्रो कैसी है भाई, काफी भीड़ है यार, मैं तो सोचा नहीं था। ये देखिए तो यार, यहाँ की मेट्रो का भी अलग एक्सपीरियंस था भाई, मैं सोच ही नहीं सकता था भाई 2 साल पहले कि मैं वुहान में इतनी भीड़ वाली मेट्रो में भाई ट्रैवल करूंगा बिना मास्क के। अगर 2 साल पहले मालूम पड़ जाए ना कि वुहान से आया है तो भाई आदमी हिल जाता था सुन के। अभी तो भाई मैं यहाँ बिना मास्क के वुहान की मेट्रो में ट्रैवल किया और अभी मैं निकला हूँ, ये स्टेशन का नाम है हांगकांग रेलवे स्टेशन और यहाँ से मुझे जाना है तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल। तो चलते हैं, देखते हैं और रास्ते में क्या क्या देखने मिलता है। यहाँ पीछे से मेट्रो स्टेशन से निकले हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा सीन है भाई, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह कितनी अच्छी अच्छी है, देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा डेवलप है यार वुहान, मैं सोचा ही नहीं था ज़रा भी। मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, यहाँ का जो माहौल है ना भाई, वो दूसरे सिटीज से अलग है चाइना के, क्योंकि भाई यहाँ बहुत खुला खुला लग रहा है। देखिए आप दूर दूर तक काफ़ी चौड़े चौड़े रोड और खुला खुला माहौल लग रहा है और जो अभी का मौसम है ना भाई बहुत ही मस्त है। तो हम चलते हैं भाई वो सी फूड मार्केट की तरफ और यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर है, पैदल चलते चलते चलेंगे और रास्ते में देखेंगे अगर कुछ खाने मिलता है, खाने के लिए भी ले लेंगे। यार क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा सीन है। लोग भाई बहुत क्यूरोसिटी से देखते हैं, बहुत प्यारे होते हैं चाइनीज लोग, बहुत अच्छे होते हैं। और भाई यहाँ देखिए भाई, ये रोड जो है मेन रोड छोड़ के साइड में भी एक रोड बनाया गया है यहाँ सिर्फ साइकिल और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। देखिए साइकिल चलाने के लिए, साइकिल आप मेन रोड पे नहीं चला सकते हो, मेन रोड पे सिर्फ कार और दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेगी, बस वगैरह। और ये जो छोटा वाला रोड है भाई, यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए देखिए भाई एकदम सेपरेट साइड में, और भाई काफ़ी ठीक ठाक यार, एक्सीडेंट से बचेंगे लोग इससे काफ़ी। तो सफाई की बात करें तो ये चाइना की बाकी सिटीज जितना साफ़ नहीं है, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक साफ है। यहाँ भी आप लोगों को देखिए रोड पे ना ऐसे कचरे, रोड पे ऐसे थोड़े से रैपर वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर, और बाकी चाइना की सिटीज़ में नहीं होते थे। तो भाई फाइनली पहुँच गए यूनान सी फूड मार्केट और भाई ये मार्केट तो सारा बंद करके रख दिए हैं कोविड के बाद से। वीडियो बनाने थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है, कोई आके बोले ना भाई कि या काई का वीडियो बना रहे हो, किस चीज़ का वीडियो बना रहे हो। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सामने वाली मार्केट जो देख रहे हो आप, ये है यूनान सी फूड मार्केट और सारा देखिए ना ये ब्लू कलर का वो लगा दिए हैं, या अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर देखिए कुछ आदमी खड़े हैं। ये सारी कुछ मार्केट थी भाई, यहाँ से ऐसा बोलते हैं कि भाई पहली बार जो इन्फेक्शन हुआ था वो इसी मार्केट से हुआ था, यहाँ कुछ सामान खरीदने वाले लोगों से हुआ था, यहाँ का कुछ सामान था जो खाए थे पिए थे, कुछ तो ऐसा सिस्टम था। क्या बताऊँ भाई कैसा फील हो रहा है यार, ये समझ सकते हो ये वो मार्केट है जहाँ से पहला स्टार्ट हुआ था, ऐसा लोगों का बोलना है भाई। मुझे तो कुछ इतना डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन जैसा हमने सुना है यहीं से पहला जो केस था भाई यहीं से निकला था। आप देख सकते हो मार्केट की गलियाँ, यहाँ से देखिएगा आप लोगों को ये सारी गलियाँ दिख रही हैं यहाँ से, क्या ही ज़्यादा अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है। और लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टेयर कर रहे हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बोलेंगे भाई यहाँ क्यों वीडियो बना रहे हो यार, कि शायद मेरे हिसाब से ये भी मार्केट का हिस्सा है कुछ, वो सामने भी मार्केट है और इस तरफ भी मार्केट है, तो अंदर तो हम जा नहीं सकते भाई। मैं आप लोगों को बाहर से सोचा दिखा दूँ, ये कुछ सारा माहौल है, आसपास जो लोग रहने वाले रहेंगे भाई, आसपास देखिए कितनी सारी बिल्डिंग है मार्केट की, देखिए इस मार्केट के आसपास कितनी सारी बिल्डिंग है, कितनी सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इन लोगों का क्या हाल हुआ होगा यार। तो भाई चलते हैं कहीं और, क्योंकि भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश स्टार्ट हो गई और रुकने की कहीं जगह नहीं है। मार्केट में चले जाऊं क्या, कहाँ खड़े रहूं भाई, मार्केट में जाना पड़ेगा लग रहा है मुझे, अंदर जा नहीं सकते। देखिए एक छोटा सा पता नहीं ये क्या तो भी लगा है, इसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा बारिश रुकती है हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉप पर और सारी चीज़ें आप लोगों को वुहान के बारे में बताते रहता हूँ, सारी चीज़ें दिखाते रहता हूँ। तो बैठते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो देख सकते हो भाई बारिश थोड़ी सी रुक गई है, अब चलते हैं कोई दूसरी जगह और आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये मार्केट की शायद स्टार्टिंग है और यहाँ सारा जो घर वगैरह वाले लोग की क्या फटी रहेगी भाई, क्या हाल हुआ रहेगा उन लोगों का। ये देखिए ये सारा कुछ मार्केट के आसपास का सीन है सर, आप लोग भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए भाई कि आसपास क्या है। आसपास पूरी बिल्डिंग है भाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इनको तो ऐसा डर लगती होगी कि भाई हवा आएगी तो भी हवा के साथ में वायरस आ जाएगा भाई, क्या हाल हुआ रहेगा अंदर। और जो स्पेशली जो बूढ़े लोग रहेंगे उनको तो भाई घर के अंदर ना बंद करके एकदम उसमें रखे रहेंगे। तो यार ये बहुत सीरियस बात है और बहुत अलग फील हुआ होगा वो टाइम पे, अभी तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो यार थोड़ी भूख लग रही है, देखते हैं यहाँ क्या है खाने के लिए। मुझे यहाँ तो कुछ लग ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ सारा कुछ बिल्डिंग वगैरह है। ये देखिए यहाँ खाने के लिए कुछ तो दुकान दिख ही नहीं रही है। देखिए जो मार्केट थी वो उस गली में थी और इधर देखिए भाई ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल तो भाई पूरा फुल हो गया होगा यार, पूरा मतलब ये तकरीबन मेरे हिसाब से ना भाई 40 माले का है और भाई ये हॉस्पिटल तो बिल्कुल फुल रहेगा क्योंकि भाई ये बिल्कुल स्पॉट के एकदम पास में था। चाइना की भी थोड़ा तारीफ करना पड़ेगा यहाँ पर, जो हम न्यूज़ सुन रहे थे ना कि भाई 2 दिन में हॉस्पिटल बना दिए, 3 दिन में हॉस्पिटल बना दिए, 10 माले का, 20 माले का, तो यार इनकी टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने में बहुत तेज़ी दिखाते हैं ये। आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत सारी सी न्यूज़ आई थी कि चाइना तो 2 दिन में हॉस्पिटल बना दिया, 3 दिन में हॉस्पिटल बना दिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल। तो ये भाई एक
तारीफ वाली बात है। और ये देखिए, ये सबसे नजदीकी हॉस्पिटल है यहाँ से, ये जो मार्केट से काफी ज्यादा बड़ा है भाई। खाने पीने के तो रेस्टोरेंट तो दिख रहे हैं, लेकिन भाई उसमें जो मेन्यू है ना भाई, अजीब अजीब है, अलग अलग मेन्यू है। और बहुत सारे लोग कमेंट में बोले थे कि भाई तुम दूसरी कंट्री गए हो, चाइना गए हो, वहाँ का लोकल फूड खाने की जगह तुम इंडियन खाना ढूंढ रहे हो। तो भाई यहाँ का सीन थोड़ा सा अलग है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। कल रात में मैं यहाँ आया तो तकरीबन 12:30 रात के बज गए थे। मैं हॉस्टल में चेक इन किया, सामान वामान रखा, मैं नीचे खाना खाने गया और वहाँ मैं मेन्यू देखा भाई, लिटरली मैं वहाँ पे मेन्यू देखा, मैं उसको ट्रांसलेट किया। तो सबसे पहला जो दिखा मुझे डिश जो दिखी वो डोंकी मीट की थी भाई, डोंकी मीट की थी। फिर दूसरा जो मैं देखा उसके बाद वो था फ्रॉग। तो भाई बताओ मैं वहाँ क्या खाऊँ, क्या खाऊँ, उनको क्या बोलूँ कि भाई आलू का कुछ बना के दो, कुछ भाजी का बना के दो, वो कुछ समझ नहीं रहे, वो सोच रहे थे कि भाई मैं बीमार हूँ। तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैं इंडियन खाना यहाँ ढूंढ रहा हूँ। यूजुअली मैं दूसरी जगह लोकल फूड ही खाता हूँ, देखते हैं क्या खाने के लिए मिलता है और फिर उसके बाद चलेंगे भाई, कुछ और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चाइना आए हुए तो तकरीबन 12 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी बार हमने चाइनीज टैक्सी में नहीं बैठी। जस्ट रिकॉर्डिंग नो था भाई, बड़ा अजीब आदमी था यार, मेरे हिसाब से पुलिस वाला नहीं था, पुलिस वाले लोग ठीक होते हैं यार, ये अजीब आदमी था भाई। रुका के बोलता भाई तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, अपने आप को भी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा वैसा कुछ भी बोलने लगा। बोला भाई मेरे को मत बताओ, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर सकता हूँ और मैं आसपास की चीज़ें भी दिखा सकता हूँ, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो जब थोड़ा सा उसके साथ ऐसा बोला ना तो भी थोड़ा माना नहीं, तो भाई वो बोला था कि भाई क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, आओ आओ आओ, इधर ऐसा वैसा। पुलिस वाले लोग थे ना भाई, पुलिस वाले जो रहते हैं ना वो बहुत अच्छे रहते हैं, ये पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड था कि क्या था क्या पता, ये थोड़ा सा ज़बरदस्ती ओवर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे भाई। तो ठीक है यार छोड़िए, मैं टैक्सी पकड़ने वाला था जैसे कि आप लोगों को दिखाया, लेकिन अभी टैक्सी नहीं, अब भाई मेट्रो से चलते हैं यार, मूड ख़राब हो गया थोड़ा सा। तो देखिए वापस आ गए मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ से चलते हैं हम हमारे दूसरे स्टॉप पे। तो यार आ गए आज के हमारे दूसरे स्टॉप पे, बट ये दूसरे स्टॉप पे भाई मैं नज़दीक जाकर रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा भाई मैं नॉर्मल स्ट्रीट पे रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड आके रोक लिया। तो भाई मैं भी रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि अभी जो हमारा दूसरा स्टॉप है वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस एक इंस्टीट्यूट है जहाँ वायरस के बारे में स्टडीज़ होती है, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं जो वायरस निकला था वो इस इंस्टीट्यूट से निकला था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और भाई कुछ लोग बोलते हैं कि ये सारा कुछ अमेरिका कर रहा है। तो भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं ये जगह मिस नहीं करना चाहता। बोला भाई मैं वुहान में हूँ तो ये जगह थोड़ा विजिट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ भाई यहाँ का भी हालचाल। और एक और चीज़ और बता दूँ भाई, वुहान जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भाई, यहाँ एक से एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से, यहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत सारी आप लोगों को देखने मिलेगी जहाँ इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। तो भाई चलते हैं, अब खाने वाने का इंतजाम करते हैं। भाई सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मुझे एक इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ते हैं मेडिकल भाई का मैसेज आया कि भाई अगर आप वुहान आएंगे तो मुझे बताना। तो भाई से मैं बात किया थोड़ा, वो बोले एक मेट्रो स्टेशन का नाम दिए मुझे, स्पोर्ट्स सेंटर कुछ तो मेट्रो स्टेशन का नाम है, वहाँ आना तो वहाँ कुछ खाना वगैरह मिल जाएगा। तो देखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई यहाँ की सिचुएशन कैसी है, जो भी जैसा भी रहेगा वो साथ में लेते जाते रहेंगे। और भाई आज मेट्रो का चक्कर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट वहीं पर। पूरा दिन घूमने के बाद में कुछ खाने तो नहीं मिला, लेकिन हमको मिल गए भाई अंसार भाई, ये हमारे इंडिया से लखनऊ से हैं और यहाँ पर स्टूडेंट है, और यहाँ बहुत सारे आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत इंडियन सारे पूरा इंडिया से अभी। अच्छा तो भाई अच्छा हुआ ये मिल गए भाई, तो मुझे कुछ खाने के लिए मिल रहा, नहीं तो सुबह से मैं भूखा घूम रहा हूँ। देखिए एक ही हम रेस्टोरेंट में आए हैं, तो ओनर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए भाई यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा खाते और अंसार भाई से बात करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अंसार भाई क्या खिला रहे हो? चिदान मिफान खिलाते हैं आपको, और चिरो मिफान है। वो क्या होता है जो पहला वाला बताए? चिदान चौफान, मतलब उसमें वही फ्राइड राइस है। अच्छा तो भाई फ्राइड राइस ही खाते हैं, क्योंकि मैं चाइना में सिर्फ फ्राइड राइस ही खाया हूँ, अभी तो और कुछ भी नहीं खाया हूँ भाई यहाँ पर। तो खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा अंसार भाई से बात करेंगे, फिर हम यूनिवर्सिटी जो इनकी है जहाँ हॉस्टल वगैरह इंडियन स्टूडेंट है यहाँ पे, वहाँ पे लेके चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे कैसा है यहाँ स्टूडेंट, कैसे रहते हैं इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर। तो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए भाई आ गया हमारा खाना, ये रहा फ्राइड राइस और ये कुछ रोटी, ये क्या आंसर है? मेन पाव। क्या है मतलब ये रोटी है? रोटी है, थोड़ा सा ऊपर से देख सकते हो आप कुछ मसाला वगैरह डाले हैं। तो भाई सुबह से निकला हूँ वुहान को एक्सप्लोर किया, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाया, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। मेरे पीछे आप देख सकते हो सारा स्टूडेंट के रूम है, तो मैं अभी अंसार भाई जो है जिनका ये रूम है उनसे मिलेंगे, थोड़ा सा बात करवाएंगे और यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ आप लोगों को, और साथ ही साथ बताएंगे कि भाई यहाँ इंडियन स्टूडेंट की लाइफ कैसी है और सारी चीज़ें। जो कोविड सर भाई जो है ये कोविड से पहले से यहाँ से हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं? हाँ इंडियन से बहुत सारे हैं ना, अभी 2-3 सालों से ब्रेक हो गया, किसी का एडमिशन नहीं हुआ है, अदर यूनिवर्सिटी में हुआ है। इस एरिया पे नहीं हुआ किसी। अच्छा अच्छा, और कब से हो आप यहाँ पे? तो अभी तो आया मार्च में आया, बाकी एडमिशन लिया था 2017। मतलब आपका डॉक्टर का पूरा हो गया? अच्छा, और यहाँ फैसिलिटी सब भाई? हाँ, रूम मैं आपको दिखाया हूँ, रूम देखिए कितना सारा, अपना बड़ा रूम है, नॉर्मल इतना रूम रहता नहीं, मेरा भाई भी बाहर पड़ रहा है लेकिन उस बंग बेड रहता है, इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और थोड़ा सा यहाँ से यूनिवर्सिटी दिखा देंगे, तुम्हारे को दिखाते हैं। इंडिया का फ्लैग देख सकते हो आप लोग, और
काफी बड़ा रूम है भाई, यहाँ स्टडी टेबल वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ चाइना पे भाई मेडिकल बहुत अच्छा है, देखिए इतनी बड़ी गैलरी भी है यहाँ पर, और यहाँ से सारा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा व्यू भी मिलेगा। देखिए सामने जो देख रहे हैं ये ग्राउंड, अभी अंधेरा ज़्यादा दिखेगा नहीं, बारिश भी हो रही है, ये सामने बड़ा सा ग्राउंड है और यूनिवर्सिटी उस तरफ है, कॉलेज उस तरफ है ना? हाँ, उस तरफ है, यूनिवर्सिटी कैंटीन है। अच्छा, तो अभी अंधेरा तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, अब देख सकते हो, लेकिन बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा, देखिए ना दो लोगों के लिए कितना अच्छा यहाँ गैलरी वगैरह है, डंबल वगैरह, देखिए बेंच भी रखे हैं सब वर्कआउट करने के लिए, और रूम तो आपको दिखाया काफ़ी बड़ा है। अच्छा भाई और क्या दिखा रहे हैं? जो ये आप देख लीजिए, और काफी बड़ी, कितने मंजिले वाले की बिल्डिंग है? 15। अच्छा 15 माले की है, और यहाँ पर खेलने कूदने के लिए वो टेबल टेनिस सब कुछ है, और किचन वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएगा। इंडियन यहाँ इंडिया के और कहाँ का? इंडिया है, अफ्रीका है, नाइजीरिया है, मोरक्को है, पाकिस्तानी है, अच्छा रशिया के भी है, कजाकिस्तान। पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, और सुकून, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, बस सुकून है। शुरू स्टार्टिंग में जब आए थे तो मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत था, पर तो देखिए भाई ये वाला रूम था, और ये सारे हर स्टूडेंट के रूम है, देख सकते हो आप, हर रूम में दो बेड लगे हुए हैं यहाँ पर, देखिए, और बहुत सारे रूम है। तो चलते हैं 13 फ्लोर पे, वहाँ पर किचन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किचन वगैरह यहाँ का। बहुत ही अच्छा सिस्टम है भाई यहाँ पर, बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा रहेगा, लेकिन बहुत ही बेस्ट है। तो अब आ गए हम 13 फ्लोर पे, यहाँ पे किचन है ना सर भाई? यहाँ पर किचन है, देखिए इधर पे भी किचन है, आप अपना सामान लाइए बनाइए, यहाँ पर भी किचन है, ये देखिए, मतलब अपना अपना सामान लाओ और आराम से बनाओ। और यहाँ भाई बड़ी सी गैलरी है इस तरफ भी, इस तरफ भी, हाँ ये देखो, यहाँ से दिन में तो बहुत अच्छा व्यू आता होगा भाई, देखो अभी रात में तो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन दिन में तो बहुत मस्त व्यू आएगा। अच्छा वहाँ से स्टेशन से, वहाँ से आए ना? ये पूरी लेक है, इस लेक पे जाके मिलते हैं। देखिए यहाँ अभी अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा अंधेरे में, बाकी दिन में तो बहुत अच्छा दिखता होगा भाई। देखिए हर फ्लोर अलग अलग है, कोई लड़के को लिए, कोई लड़की को लिए, देख सकते हो यहाँ लिखा है बॉयज टॉप, ये तो भाई ये फ्लोर लड़कियों का है, तो यहाँ जाना मना है भाई, तो सेपरेट सिस्टम है यहाँ पर। तो चलते नीचे आप। आप लोगों ने देखा थोड़ा सा टूर दे दिया, ऐसा कुछ कंडीशन है यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट की, बहुत ही अच्छी है भाई सब चीज़, यहाँ फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी आप लोगों को। और सर भाई कोविड में आप यहीं थे? नहीं नहीं, कोविड में चले गए थे। मतलब कब गए थे यहाँ से? फर्स्ट मार्च को। लेकिन कोरोना तो यहाँ पे दिसंबर के एंड में तब, मतलब केस आने लगे थे। हाँ दिसंबर पे फर्स्ट केस आया था, जनवरी पे 10 या 11 जनवरी को दूसरा तीसरा केस आया, फिर इधर लॉकडाउन लग गया, हम लोग रूम पे ही थे, जो भी खाने वगैरह का था कॉलेज वालों ने प्रोवाइड किया। अच्छा क्या हाल था, मतलब बहुत गंदे रूम से बाहर नहीं निकलना अलाउ था ये समझ लीजिए। अच्छा मतलब कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला कि जितना ठीक है उतना किया आप लोग, यही था। फिर हुआ ऐसा कि सब इंडिया चले गए 1 मार्च में, यहाँ से गए 1 मार्च को, तो मतलब 3 महीना यहीं पे टेंशन में थे एकदम बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना भाई, मतलब जब कोरोना आ गया था तो भाई यहीं पे थे, उसके बाद बहुत पूरा लॉकडाउन, पूरा शहर लॉकडाउन लग गया था ना, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम शॉप्स वगैरह नहीं ओपन होती थी, मॉल वगैरह वीकेंड में ओपन होते, जैसे वेडनेसडे हो गया या सैटरडे, मतलब यहाँ हाल तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा गंदे हो गए। अच्छा है तुम मेन टाइम पे निकल गए, इंडियन गवर्नमेंट कुछ इंडियन गवर्नमेंट लेके गए, फिर अच्छा है भाई निकल गए, फिर उसके बाद यहाँ तो और कुछ स्टूडेंट बचे थे कि मतलब सब चले गए? सब इंडियंस अलग गए, पाकिस्तानी अपनी एक कंट्री है, उन्होंने एक्शन लिया, वो गए अदर कंट्री, केवल अफ्रीकन कुछ बचे हुए थे, वो अभी भी थे जो इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। अच्छा वो यहीं रुक गए थे? अच्छा तो उनका तो हाल बड़ा खराब हुआ होगा। तो ऐसा कुछ हाल था यहाँ पर, और वुहान इतना सुनते थे कि भाई यहाँ पर एक कोरोना फैला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हाल तो यहाँ बहुत बहुत बड़ा, अभी अभी बिल्कुल अब तो पूरा ठीक हो गया, अब तो पूरा नॉर्मल हो गया, पूरा खुल गया। जैसा कि पहले अभी इंडिया में कहीं कहीं कंपलसरी कर दिया मास्क पहन के जाने पब्लिक एरिया पे, इधर कुछ भी, अभी मैं आज मैं आप लोगों को दिखाया अभी पूरा मेट्रो में कोई मास्क वगैरह पहना नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का, वुहान का अभी तकरीबन बज रहे हैं 10, तो थोड़े टाइम में निकलते हैं मेट्रो पकड़ के, फिर चलेंगे हमारे हॉस्टल, तो मिलते हैं आप लोगों को। तो भाई बज गए हैं रात के लगभग 10:30, और अंसार भाई छोड़ने जा रहे हैं मुझे मेट्रो स्टेशन तक, और मेट्रो से भी भाई तकरीबन 1 घंटा लगेगा मुझे मेरे हॉस्टल पहुंचने, थोड़ा सा दूर पे था। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई ने खाना भी खिला दिए, और उसके बाद वहाँ चाय वगैरह भी पिलाया हॉस्टल में, थोड़ा सा वहाँ टूर भी दे दिए, थोड़ा सा आराम भी वहाँ कर लिए, और अभी मेट्रो स्टेशन भी छोड़ने आ रहे हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और आप लोगों ने देखा भाई वुहान का सारा सीन कैसा है, सारी डिटेल देते जो जो मेरे से हुआ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताया। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।